द्रौपदी है, ये मुलेठा का हनुमान जी का मंदिर है, द्रौपदी जी है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी, जय हो, जय हो, जी जी, जय हो, जय हो, जय हो बजरंगबली। बहुत सुंदर दर्शनीय मूर्ति हनुमान जी की, ये मुलेठा में हनुमान जी हनुमान मंदिर है। जय हो, जय हो। एक काफ़ी बड़ी है, करीब 6 फीट से ऊपर की है। जय हो, जय हो। ये नारायण स्थान द्रौपदी है, ये हनुमान जी हनुमान मंदिर के बाद पड़ता है, बोले था हमें द्रौपदी। ये है द्रौपदी है, ये राधा कृष्ण मंदिर है मुलेठा का, द्रौपदी है द्रौपदी है द्रौपदी। जय हो राधा कृष्ण। द्रौपदी है द्रौपदी है। अभी हम बोले था गांव में है, देखिए स्थान देव देवी देवता का मंदिर। यहाँ पे इतनी ढेर सारी पगडंडियाँ हैं, रास्ते हैं, हालांकि जाते सब एक ही जगह पे हैं, पर इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप एक भी मिस कर देते हैं, गलत जाते हैं, तो आपसे बहुत कई चीज़ें स्थानें छूट जाते हैं या बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देखिए यहाँ 3 रास्ते, 1, 2, 3, अब किधर से जाना है पता नहीं। तो अगर एक रास्ते से आप जाते हैं गलत, तो वो फिर आप बहुत घूम जाएंगे और कई चीज़ें छूट जाएंगी। द्रौपदी है, अब हमें भी नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, कि कोई बताने वाला भी यहाँ पे भी नहीं है। द्रौपदी है, हालांकि तीनों रास्ते आगे जाके मिल जाएंगे, या जो भी रास्ते होंगे वो घूम फिर के मिल जाएंगे, पर वो घूम जाते हैं इधर उधर, क्योंकि वो छोटी छोटी जगह जाने के लिए बने हुए हैं। द्रौपदी है, द्रौपदी है, द्रौपदी है, द्रौपदी। देखिए एक दो बैल आ गए, एक आगे और एक पीछे, गाय है, गाय ही है, दोनों गाय है। द्रौपदी है, द्रौपदी है। वो सींग देख के ऐसा लग रहा था कि बैल है, पर गाय ही है। द्रौपदी है, द्रौपदी है। तो हम इसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, एक आगे एक पीछे है। ये देखिए एक और आ गई गाय, एकदम बैल जैसी सींग है इसके, बड़े बड़े, इसलिए देखने में बैल लग रही है। द्रौपदी है, द्रौपदी है। ये पानी पीने आए हैं,
जय हो गौ माता। रास्ता दिखाने के लिए जय हो। जी 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 मेरे भाई हमें रास्ता मिल नहीं रहा था, फिर एक जन आ गए बाबा, वो दो गाय लेके आए थे। ऐसी ही घटना बहुत सारी होती है जहाँ कोई नहीं होता है रास्ता बताने के लिए, और कई रास्ते होते हैं। तो कोई ना कोई कहीं से अचानक प्रकट हो जाता है, किसी न किसी काम कुछ ना कुछ करते हुए, और हमें आगे का रास्ता बता देता है। हम भी दूसरी तरफ चले गए थे, फिर वहाँ ये बाबा प्रकट हो गए दो गाय लेके, अचानक कहीं दिख नहीं रहे थे, फिर नर्मदी है नर्मदी है बोलने पे अचानक ये दौड़ते गाय के पीछे आ गए। नर्मदी है इस नर्मदा महकमा मार्ग में ये घटना, ऐसी घटनाएं बहुत आम है, बहुत ज़्यादा, लगभग सभी पैगमवासियों का यही अनुभव है कि जब आप किसी गलत रास्ते में चले जाते हैं या भटक जाते हैं तो कहीं से कोई तुरंत आ जाता है, मिल जाता है, जो आपको सही रास्ता बता देता है। तो ये मैया की कृपा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए कि आपको भटकने नहीं देती। नर्मदे नर्मदे नर्मदी है नर्मदी। ये सफ़ेद रंग की चिंदी बहुत जगह बंधी मिली है, असलता ये पहचान के लिए बनाई गई है कि जिससे पैगमावासी आसानी से समझ सके, जान सके कि रास्ता इधर ही है, जैसे पहले भी झंडियाँ लगी रहती थी उसी तरह ये यहाँ पे इस तरह की सफ़ेद रंग की कपड़े बंधे हुए हैं। नर्मदी है नर्मदी है, और सही भी है, थोड़ा पहचान बनी रहती है तो आदमी भटकता नहीं, उसी के सहारे आगे बढ़ जाता है। नर्मदी है क्योंकि बहुत सारी जगह पे, ये देखिए यहाँ बंधे हुए, बहुत सारी जगह पे बताने के लिए कोई नहीं होता है, तब ये झंडियाँ मार्गदर्शक करती हैं, ये कपड़े निशान। नर्मदी है नर्मदी है। नर्मदी है नर्मदी है। अगर आप ध्यान से सुन लें तो ये घंटी की आवाज़ आ रही है, कोई छोटी सी जैसे घंटी बज रही हो, अब पता नहीं कैमरे मोबाइल में सुनाई देगा कि नहीं, पर मुझे अच्छा सुनाई दे रहा है। पर ये कीड़ा है ना कि ये घंटी है, पर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी सी घंटी बजा रहा हो, पर ये कीड़ा है जो आवाज़ करता है। जिसकी आवाज़ एकदम घंटी जैसी बजती है, ऐसा लग रहा है कोई घंटी बजा रहा हो। नर्मदी 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 कोई आश्रम है। नर्मदी है बहुत सुंदर फूल फूलों का, ऐसा लग रहा है वाह बहुत ही सुंदर।
जिन आश्रमों में ऐसे फूल लगे होते हैं उनको देखने में बड़ा आनंद आता है। नर्मदे ये गुप्तेश्वर महादेव, ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। नर्मदे है जय हो। ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, नीचे नर्मदा मैया। जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया, जय हो। ये धुनी, वाह घंटिया देख के तो आनंद आ गया, इतनी ढेर सारी घंटिया। जय हो जय हो जय हो, हाँ दिक्कत है। जय हो जय हो जय हो जय हो। नहीं नहीं, ये गुप्तेश्वर महादेव में जल कब निकलता है इसमें? वो पेटी में डर दिया है, हाँ इधर कहते को थोड़ा सा हटा के दर्शन कर लें। जय हो भोलेनाथ, अच्छा अच्छा थोड़ा सा हटा के भोलेनाथ के दर्शन कर लें। जय हो जय हो, जल निकलता है। जय हो जय हो जय हो, अच्छा ये इसमें से जल निकलता है, अच्छा ये जय हो जय हो जय हो। यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाने का रिवाज है, यहाँ घंटियाँ मान्यता में चढ़ती हैं क्या? हाँ तभी जय हो भैया। अच्छा अच्छा जी जी, ये मान्यता में घंटियाँ चढ़ती हैं, देखिए कितनी ढेर सारी घंटियाँ। बहुत जय हो भैया, ये इसमें से निकला हुआ जो जल है ये मुझे रखी हुई है, यही सब जो मांगता है उसे देती हैं। ये इसमें से जल निकलता है, ये शिवलिंग है। जी जी, गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, गुप्तेश्वर महादेव इसलिए क्योंकि इस शिवलिंग से जल निकलता है और इसको इकट्ठा करते हैं ग्लास में, फिर जो भी भक्त आता है इनको देते हैं। जय हो मैया, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। तो यहाँ पे शिव छोटे से शिवलिंग में से जल निकलता है और यहाँ पे मान्यता में घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, जिसके मान्यता पूरी हो जाती है वो घंटियाँ चढ़ाते हैं, बहुत सारी घंटियाँ हैं। जय हो, सबकी मान्यता पूरी हो गई, मैया भोलेनाथ ने कर दी। जय हो जय हो जय हो जय हो, नर्मदे 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 नर्मदे। आज 28 फरवरी 2021 है, हम बद्रिका आश्रम में रुके हुए हैं। ये अभी यहाँ बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत अच्छे मंदिर है, काफ़ी बड़ा आश्रम है, आप सभी को देखने में बड़ा आनंद आएगा। नर्मदे नर्मदे। ये यहाँ पे पैगंबरवासियों की रुकने की व्यवस्था है, काफी बड़ा हॉल है।
यहाँ के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी का आश्रम है। काफ़ी बड़ा और अच्छा आश्रम है, साफ सुथरा। इधर नर्मदा मैया है, सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जय हो। काफ़ी बड़ा आश्रम है। जय हो। गायत्री माता का मंदिर। जय हो मैया, जय हो, जय हो मैया, जय हो। जय हो जय हो राज। ये बद्री का आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में सबसे ज़्यादा फेमस जगहों में से एक। जय हो सिद्धिविनायक महाराज, जय हो, जय हो। बहुत बड़ी विशाल मूर्ति। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। बहुत ही विशाल मूर्ति है। जय हो गणपति। ये अर्धनारीश्वर शिव का रूप में। जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो, जय हो। ये मंदिर का बाहर से का चित्र। जय हो। ये यहाँ के महात्मा जी। जय हो। ये मैया दुर्गा। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। बहुत ही सुंदर प्रतिमा मैया की। जय हो मैया, जय हो। ये हनुमान जी विराट रूप में पर्वत उठाए हुए। जय हो बजरंगबली, जय हो। बहुत सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई यहाँ पे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत आनंददायक। जय हो गणेश भगवान जी, अन्नपूर्णा माता, नंदी महाराज और ये भोलेनाथ।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर मंदिर बद्रीनाथ को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मैया, जय हो। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ विराजमान है बद्री का आश्रम में, बद्री का आश्रम में। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, बैठ के मैया के सामने ध्यान करने की। जय हो, जय हो मैया, जय हो। यहाँ से भी दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर मंदिर। ये रसोई घर यहाँ का, और ये घाट। जो दिखाना चाहता था ये मेन है। ये जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। बहुत ही विशाल काय मूर्ति जो उस तट से भी दिखाई देती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। बहुत ही विशालकाय मूर्ति। और इस तरफ अर्धनारेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती। जय हो भैया, जय हो भैया, जय, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही बड़ी विशाल का है। जय हो। ये शिव शक्ति का मिश्रण रूप। जय हो। इनका त्रिशूल, और ये हनुमान जी का। जय हो बजरंग बली, जय हो। इस तरफ नर्मदा जी का तट है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पेड़ों की वजह से ये पेड़ों की वजह से मूर्ति की तस्वीर नहीं आ रही है। जय हो, जय हो, जय हो। पर बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही आनंददायक, देख के आनंद आ गया। जय हो। जय हो, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। घाट पे मछलियाँ, नर्मदे है। बहुत बड़ी बड़ी नर्मदे है। ये मछलियाँ घाट पे। जय हो मैया, जय हो।
बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है और पानी भी घाट तक आया हुआ है, सीढ़ी से बैठ के आप नहा सकते हो। ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, जय हो गणपति। नरपति है। अब ये बद्रिका आश्रम से आगे का पूरा रास्ता रोड रोड ही है ज़्यादा करके। ये रोड रास्ता नर्मदा जी के किनारे से ही जाता है, एकदम पास से ही है। बस रोड है, उसके बाद आश्रम है, उसके बाद नर्मदा जी हैं। तो ऐसे ही रोड बना दिया गया है पैकमा के लिए ही, जिसे पैकमावासियों को किनारे ना चलना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मगर का भी बहुत खतरा रहता है और रास्ते भी कई जगह ऊपर नीचे हैं। तो इसीलिए एकदम नर्मदा जी की एकदम किनारे से ही ये रास्ता है आगे के लिए। नर्मदी है। और इन रास्तों में 10 आश्रम बनाए गए हैं, जिसमें से बद्रिका आश्रम पहला आश्रम है और भी दूसरा है। हम सारे आश्रम इस तरफ के नंबर वाइज से आश्रम के नाम और वो भी देते जाएंगे। इस रोड के किनारे नर्मदा सेवा ट्रस्ट या जो भी नाम है, अभी नाम ठीक से देखा नहीं, तो उस इनके 10 आश्रम हैं जहाँ पे इन्होंने इनका इलोप किया है। सारे अलग अलग ही हैं, मगर ये पैगंबवासियों की सेवा, भोजन पानी रहने की व्यवस्था करते हैं। तो इन 10 में से पहला बद्रिका आश्रम है और दूसरा भी आगे आएगा। नर्मदी है। नर्मदी है। यहाँ पे बद्रिका आश्रम से थोड़ी दूर आगे रिजवाइस नाम से एक इको रिवर कैंप साइट विथ एडवेंचरस एक्टिविटीज़, मतलब अगर आपको कुछ थ्रिल एडवेंचरस कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये करने के लिए भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। लिफ्ट डे नॉट डे योर लाइफ, ये ऐसे रास्ते पुल से भी चलने के लिए मिलेगा। सारे एडवेंचर्स जो भी वर्क है वो सब आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे वर्क कराते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप ऐसा करके भी एंजॉय कर सकते हैं। एडवेंचरस छुट्टी डे आप बिता सकते हैं। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे, हमें आगे जाना है और हमारा भी पैकमा एडवेंचरस चल रही है और अलग से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो हो रही है वही काफ़ी है। तो आपको अगर कुछ एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ करनी है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। हमारी तो जब से पैकमा उठाई में शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ रोमांचकारी एडवेंचर चल रहा है, इसलिए अलग से कुछ नहीं चाहिए। नर्मदी है। पर जो लोगों को शौक़ है करने का या ऐसा लाइफ जीने का, एंजॉय करने का, वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। नर्मदी है। ये नंदेरिया गांव का नंदेश्वर
नंदीकेश्वर मुक्ति धाम क्षेत्र का श्री नंदीकेश्वर महादेव मंदिर नर्मदी। ये यहाँ भी इन्होंने लगा रखा है पंचमुखी सनातन सत्संग पीठ फूल पाने से तीर्थ नर्मदा पैकमा। इनका कहना है कि जूता चप्पल खड़ाऊ आदि पहन के चलने वाले पैकमा रूप से सेवा ना करें। नर्मदे ये पैकमावासियों की परेशानी और नकली पैकमावासियों की संख्या बढ़ाई जाती है। नर्मदी है। अब जिन्होंने भी ये लिखा है अध्यक्ष जो भी हैं स्वामी हिमानंद सरस्वती जी, इनके भाव विचार जो भी हैं वो तो पता नहीं, मगर ये कभी मिलेंगे तो ज़रूर पूछूंगा कितना नियम पालन करते हैं पुराणों का। नर्मदी है, कोई बात नहीं। नंदेश्वर नंदीकेश्वर महादेव जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर बहुत पुराना, बहुत सुंदर। ये मंदिर काफ़ी बड़ा, काफ़ी पुराना और बहुत सुंदर मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महा, देखिए ये पूरा पत्थर और पुराना ही बना हुआ है। जय हो नंदी महाराज, जय जय हो नंदी, जय हो गणेश महाराज, जय हो। देखिए इसमें की नीचे की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये भी बहुत पुरानी हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ये है नंदीकेश्वर महाराज, नंदे दिया गांव में। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये मैया गंगा मैया, मंदिर बहुत पुराना, बहुत ही सुंदर है। इनका ज्योत बहुत बड़ा है और शिवलिंग ज्योत के हिसाब से काफ़ी छोटा है। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, ये गणेश जी की पुरानी मूर्ति और इस तरफ हनुमान जी की। जय हो, जय हो, जय हो। ये मैया यहाँ, ये स्थानीय देवी देवो मैया और ये नर्मदा मैया की बहुत सुंदर प्रतिमा है। जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो मैया, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर मंदिर। जय हो। ये नंदीकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में आता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
मंदिर काफ़ी पुराना है। और सबसे सुंदर बात ये है कि ये नर्मदा जी के तट पे है, ये बिल्कुल तट के पास ही है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, ये नर्मदा जी के बिल्कुल तट के किनारे ही है ये मंदिर बना हुआ है। जय हो। नर्मदी नर्मदी, ये गंग नाथ महादेव नर्मदी है। नर्मदी नर्मदी है, ये विष्णु भगवान। जय हो। गंगनाथ के विष्णु भगवान, विश्वकर्मा जी, ये धूनी। जय हो। ये गंगनाथ महादेव, गणेश जी। ये गंगनाथ महादेव, ये स्वयं ये है क्या ज्योत चकोर बना हुआ है। जय हो। जय हो। जय हो। ये गंगा मैया। जय हो गंगा मैया। ये नर्मदा मैया तो जय हो नर्मदा मैया। जय हो नर्मदा मैया। जय हो नर्मदा मैया। जय हो। गंगनाथ मंदिर। ये सभी स्थान जो रेवा सेवा समिति द्वारा 10 स्थान चिन्हित किए गए हैं पैगमावासियों की सेवा के लिए, जिसमें पहला बदिकासम, दूसरा नंदेश्वर महादेव और तीसरा गंगनाथ महादेव। ये सभी एक रूट पे एक रास्ते पे मिलते हैं और सभी नर्मदा जी के तट के किनारे हैं। ये गंगनाथ मंदिर भी उसी का एक है और ये सरस्वती माता का मंदिर। ये गंगनाथ मंदिर के बगल में ही पास में ही है नर्मदी है नर्मदी। ये सरस्वती माता का मंदिर नीचे गुफा में है। जय हो। ये सरस्वती माता का मंदिर था। ये ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। ये ब्रह्मेश्वर श्री महादेव जी का महादेव जी है नर्मदी। जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये सरस्वती माता मंदिर ऊपर का मंदिर है। जय हो गणेश। जय हो। जय हो मैया। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, ये ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं। ये मंगलनाथ के बगल में सरस्वती माता का मंदिर है, वहाँ कहें ये गुफा सरस्वती माता के मंदिर जाने की। जय हो, जय यहाँ से नीचे उसी मंदिर में पहुँच जाते हैं। जी सरस्वती माता, जय माता, शक्तिपीठ है बड़ी। अच्छा शक्तिपीठ, हाँ बहुत बड़ी। अच्छा नर्मदी है, ये हमें वो बोर्ड मिला जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके रेवा सेवा समिति चंदोद के द्वारा कुछ आश्रम चिन्हित किए गए हैं इसी रोड पे जो नर्मदा जी के किनारे किनारे बने हैं। यहाँ पैकमवासियों की सेवा व्यवस्था होती है, जैसे पहला वजिका आश्रम, दूसरा नंदिकेश्वर, तीसरा मंगलनाथ, चौथा साई रेवा, पांचवा आनंद भवन, छठा यम हास ओ अशोक बाबा धाम, सातवां चंदोद दक्षिण प्रयाग तीर्थ, आठवां चक तीर्थ घाट, नौवां दत्त मंदिर, दसवां शेषनाग मंदिर, ग्यारहवां कपिलेश्वर महादेव, बारहवां रिक्त मुक्तेश्वर महादेव और तेरहवां पिंगलेश्वर महादेव। ये सभी रेवा सेवा समिति द्वारा किए गए हैं। नर्मदी, ये साई रेवा अन्य क्षेत्र है। नर्मदी नर्मदी है, नर्मदी है, ये उतनी अशोक बाबा धाम, यम हास धाम, नर्मदा पैकमावासी विश्राम धाम, ये बहुत ही पास थोड़ी थोड़ी दूर पे ही आश्रम है। हर ये समझ सकते हैं 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आश्रम हैं। मैं सारे आश्रमों में इसलिए भी जा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे विश्राम के लिए व्यवस्था, जगह नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, ये आश्रम बहुत ही सुंदर। आनंददायक, ये नया ही बना हुआ है और नर्मदा जी के यहाँ से दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। नर्मदी नर्मदी नंदी महाराज, ये अशोक बाबा आश्रम का कि हम शिव जी हैं, महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैया की जय हो, पुरानी मूर्ति, जय हो, ये बेल का पेड़, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर शिवलिंग है, इसका ज्योत काफी बड़ा है। नर्मदे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
अभी ये बन रहा है, जब ये बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ओम नमः शिवाय। ये सारे स्थान नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे ही हैं। अगर आप किनारे से भी आएंगे तो भी आप आ सकते हो, बस तब आपको थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ेगा। सुंदर फूल लगे हुए हैं। एक गौशाला बैठो, मैं क्या बनाना था जी। ये चाड़ोद का रामनाथ मंदिर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 जय 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 जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय हो जय। ये चाड़ोद का राम नाथ महादेव मंदिर। जय हो जय हो जय जय। यहाँ शिवलिंग बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर सा है और पुराना भी लग रहा है। ये रामनाथ मंदिर है। जय हो जय। चाड़ोद जाने से पहले सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है। द्रौपदी है, द्रौपदी है, द्रौपदी है। ये आदि शक्ति आदि तेश्वर महादेव। जय हो। नर्मदे है। जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मूर्ति देखते लग रहा है काफी पुरानी मंदिर है, मंदिर भी काफी पुराना ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो हनुमान जी, जय हो गणेश जी, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर बहुत पुराना है। ओम नमः शिवाय। आदित्येश्वर महाराज ये चाड़ोद के। जय हो, जय हो मैया, जय। मंदिर पुराना है। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रामनाथ महादेव मंदिर के बगल का मंदिर है। ये सूर्य देवता की मूर्ति। जय हो, जय हो, जय हो। ये माता का मंदिर, यहाँ के स्थानीय माता। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया। ये मंदिर पुराना भी है और थोड़ा टूटा भी है, अभी नया कार्य भी शुरू हो रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये चाड़ोद का शिव का एक मंदिर है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये थोड़ा सा कट गया है, इससे समझ नहीं आ रहा है कौन सा मंदिर है। मंदिर पुराना है पर नाम भी वो हो गया, गिर गया है। ये जागनाथ नाथ महादेव का मंदिर है। जय ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कुबेश्वर महादेव, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो चलो कुबेश्वर महादेव, जय हो, जय 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 हो, जय जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाकालेश्वर महादेव चढ़ोत की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये माता का मंदिर, बाहर ताला लगा हुआ है, यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। चारोद का काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, जय हो, जय हो। अच्छा मंदिर पुराना, जय 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 जी।
पर बहुत सारी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई जो भी है। ये काशी विश्वनाथ चारुवेद की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो महादेव, जय हो महादेव। ये काशी विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ महादेव चारोद के। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मंदिर भी काफ़ी पुराना दिख रहा है। अन्नपूर्णा मत अन्नपूर्णा माता। जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। ये विष्णु भगवान जी। जय हो, जय हो। ये सारी मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं। जय हो, 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 जय हो। ये सूर्य देवता। जय हो, जय हो, जय हो, जय। ये और मंदिर, ये काफ़ी सारे पुराने मंदिर हैं। यहाँ भी ऊपर ऐसे ही बना हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज बहुत सुंदर नर्मदे है। ये दामेश्वर महादेव नंदी महाराज जी बहुत सुंदर सी मूर्ति नंदी महाराज जी की। जय हो दामेश्वर महादेव। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में ही के प्रांगण में ही है। ये तो बहुत बड़ा मंदिर है। वाह। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय हो। ये इसका प्रांगण बहुत बड़ा है। एक काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज़्यादा बड़ा प्रांगण है। और ये पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है। बाहर से भी देखने से भी पता चलता है और अंदर से भी। इनकी मूर्तियाँ भी बहुत पुरानी। जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो, जय हो बाबू, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही पुराना मंदिर, हर चीज़ पुरानी। दरवाजे, खिड़की, चौखट, सब कुछ बहुत पुराना हो रहा। बहुत बड़ा अंदर गर्भगृह बहुत बड़ा है। लाइट जल गई, देख सकते हैं कितना पुराना, कितना बड़ा
गर्भगृह है, क्योंकि भोलेनाथ के गर्भगृह इतने बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा करके बहुत कम ही होते हैं। बहुत ही बड़ा गर्भगृह है, काफ़ी जगह है। जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय 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 हो जय हो। बहुत ही सुंदर पुराना मंदिर, नंदी महाराज जी उतने सुंदर। जय हो जी। दूसरा मंदिर, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर लाइन वहाँ से बने हुए हैं एक ही प्रांगण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति गणपति ये शायद विष्णु भगवान जी की मूर्ति है, काफी पुरानी है। ओम नमः शिवाय, जय हो। ये सारी मूर्ति है, मंदिर अलग अलग हैं, इनके नाम लिखा हुआ करते थे, पुराने ही मंदिर हैं प्राचीन काल के, पर ये सब मिट गए हैं क्योंकि काफी पुराना जर्जर हो गया। जय हो जय हो जय हो। जैसे इष्ट महादेव, जय हो महादेव, जय हो जय हो जय हो जय हो। गणेश जी की पुरानी मूर्ति, जय हो जय हो जय हो जय हो। सारी मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं। जय हो। जय हो जय हो जय हो। यहाँ पे देखिए कितने ढेर सारे शिवलिंग। जय हो। ये सभी मंदिर काशी विश्वनाथ चंदोद के हैं। ये स्थानीय माता, जय हो का गेट। जय हो। श्री शेष साई नारायण मंदिर, जय हो। यहाँ छोटे से शिव जी शिवलिंग, जय हो। माँ जी यहाँ के ये मंदिर शेष नारायण मंदिर नर्मदी है। जय हो जय हो। बहुत सुंदर मंदिर है। जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर, ऊपर अच्छी चित्रकारी की गई है। ये कृष्ण जी का गोपियों का मटकी फोना, ये सभी को ज्वाला से बचाना, ये चीर है। ये गोवर्धन पर्वत पर उठाना, नर्मदे है नर्मदे। ये सूर्य राम, ये जो वसुदेव जी लेके आते हैं, और ऊपर लालकिला की तस्वीर लगी हुई है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। जय हो जय हो जय हो जय हो। शेष नारायण
नर्मदे हर माता जी, जय हो प्रभु, जय हो। ये चक्र तीर्थ घाट चाड़ोद में है, नर्मदे है। यहाँ पे ढेर सारे शिव जी के मंदिर हैं, नर्मदे है। ये गणेश जी और शिव जी की पुरानी प्रतिमा रखी हुई है भैया की। यहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये नर्मदा टी स्टॉल के नाम से है, चाय और जूस की दुकान है। ये पैकमा वासियों को चाय और जूस बिस्किट सब कराते हैं। नर्मदे। क्या नाम भैया आपका? विजय भाई। विजय भाई, तो आप पैकमा वासियों को चाय पानी सब जितना आए? अच्छा, जहाँ जितने आते हैं 500 जितना आए। अच्छा, कितने लगभग आते होंगे डेली? अभी तो कम आ गए। 15-20 तो आते हैं। अच्छा, 15-20 तो आते ही होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कब से है दुकान आपकी? 2 वर्ष। अच्छा, 2 वर्ष हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। जी, बहुत अच्छा। ये गन्ने का जूस भी निकालते हैं और चाय भी बनाते हैं। बहुत हो गया उसका। जी, देखिए मैया के आशीर्वाद से ही है। हमको आशीर्वाद खाली मैया का पहले बहुत हो गया। जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, गन्ना ये साफ करके करते हैं, जबकि बहुत जगह ऐसा नहीं करते, बिना धुले ही लगा देते हैं। मगर ये देखिए, साफ करके पूरा उसके बाद देते हैं, एकदम साफ बढ़िया। हाँ, एकदम कड़वा पानी आता है। नर्मदे, ये कोटी लिंग सुरेश्वर महादेव, जय हो। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। ये चंद्रमौली मौलीश्वर महादेव, चंद्रमौलीश्वर महादेव, जय हो। ये चक्र की तीर्थ घाट चढ़ोल में ये सारे मंदिर हैं। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नर्मदे हरि। भैया ही चाय बनाती हैं, बहुत बढ़िया। नर्मदे हरि, जय हो। ये चक्र तीर्थ घाट के मंदिर हैं। चक्र तीर्थ घाट चढ़ोद की ये मंदिर हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
क्या दानेश्वर ये दानेश्वर महादेव का मंदिर बाजू में चंद्रमौलेश्वर एक लिंग है चंद्रमौलेश्वर सामने एक लिंग जी है। ये कौन एक लिंग जी एक लिंग जी अच्छा एक लिंग जी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जय हो हाँ हाँ जी तभी मंदिर पुराने मगर कलर की वजह से यहाँ पे घाट पे बहुत सारे मंदिर शिव जी के ओम नमस्कार ओम नमस्कार यहाँ से घाट बहुत सुंदर लग रहा है दिख रहा है नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं नर्मदा जी नर्मदा जी ये चालोद का चक्रतीर्थ घाट है। यहाँ स्नान का बहुत महत्व है यहाँ पे नर्मदा जी का जल बहुत तेजी से बह रहा है बहुत धारा बहुत तेज है क्योंकि ढाल पड़ रहा है आगे से नर्मदा ये बहुत सुंदर घाट है देखिए रंगा हुआ एकदम जय हो नर्मदा है यहाँ नर्मदा की धारा बहुत अच्छी तेज है नर्मदा है घाट के मंदिर नर्मदा ये चक्र तीर्थ चलोद का दत्त मंदिर यहाँ दत्त मंदिर में ही भोजन की व्यवस्था रुकने की व्यवस्था पैगमवासियों की चक्र तीर्थ के पैगमवासियों के लिए है इसी मंदिर से ही पैगमवासी रुकते हैं भोजन करते हैं आते हैं चालोद का कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये कपिलेश्वर मंदिर चालोद का
यहाँ बहुत पुरानी पुरानी मंदिर, बहुत ही सुंदर, और बीच चौराहे पे ही मंदिर है। जय हो, ओम नमः शिवाय, 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 जय हो। ये मंदिर भी बहुत ही पुराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही पुराना, बहुत ही विशाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिलेश्वर महादेव माता जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। भजन करी, जय हो। ये भजन करी, जय हो, भजन करी। नर्मदी है, नर्मदी है। ये हाटकेश्वर महादेव मंदिर है। जय हो, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो, जय हो। ये चाड़ोद का हाटकेश्वर महादेव मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो। गणेश महाराज जी, ये हनुमान जी महाराज जी, बहुत अच्छी मूर्ति है। जय हो, जय हो। जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो, जय हो। जय हो। ये है नदी, एक नदी है, इसका संगम आगे नर्मदा जी में होता है। छोटी सी नदी है, अभी ज़्यादा जल नहीं है, मगर फिर भी पुल से पार कर रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। ये ओलसंग नदी है, बहुत ही छोटी है, थोड़ा सा ही पानी है, ना के बराबर है, वो भी बह के इधर उधर से आता है। पर जब बाढ़ आती है तब ये नदी ओलसंग नाम से इसका संगम है। नर्मदा जी में, नर्मदी है, नर्मदी है। अब हम आगे चलते हुए पिपलेश्वर, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ ढेर सारी धर्मशालाएँ हैं, नर्मदी है, नर्मदी है। ये सारी धर्मशाला ही हैं, ये भी धर्मशाला है। यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग धर्मशालाएँ, आश्रम हैं। नर्मदी है, ये चहोद है। नर्मदी है, ये रुक्त ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चढ़ोद का है, बहुत सुंदर मंदिर है। नर्मदी है, नर्मदी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव। नर्मदी है, बहुत सुंदर। पिताई होने के बाद एकदम नया लग रहा है। जय हो गणेश, जय हो, जय हो, जय हो भैया, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये चौथ के श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ओम
बहुत ही सुंदर ये श्री पिंगलेश्वर महादेव मंदिर ये चढ़ोत के पिंगलेश्वर महादेव जी नर्मदा जी के किनारे संगम पे बना हुआ है ये नर्मदा जी नर्मदा जी और संग गुप्त सरस्वती। अच्छा ये इधर और संग नदी है और ये नर्मदा जी और गुप्त सरस्वती ये त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है नर्मदा जी।